राधे राधे दोस्तों, आज हमारी गाड़ी में एक ग्लू फिर से खत्म हो गया, तो हम फिर से डालने जा रहे हैं। तो अभी आपको मीटर दिखाते हैं और ये हैं कौशल भैया, और हम दोनों मिलके हमारी सहायता करेंगे। तो ग्लू डालते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। ये ग्लू की लाइट जल गई है, ग्लू लाइट जल रही है। 771 किलोमीटर दिखा रहा है अभी चलने को, और इधर एक आई वाली लाइट भी जल रही है। दिखा रहा है पहला इंडिकेशन 2400 पे आता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कम होता चला जा रहा है। अब हम इसमें 10 लीटर लाए हैं डालने के लिए, देखते हैं कितना पड़ता है। तो चलो एग्लू रिफिल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बोनट खोलते हैं। ये 10 लीटर एडब्लू लाए हैं, 5-5 लीटर की दो कुटिया। ये टोयोटा कंपनी का है और ये सीएसआई पाइप। किलोमीटर चलने को दिखा रही थी, मैंने 5 लीटर एडब्लू डाला, फिर भी अभी मीटर इसका सही नहीं बता रहा है। फिर देखते हैं स्टार्ट करके। अभी भी उतना ही बता रहा है। अब हम इसमें 5 लीटर और डालेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने 5 लीटर एडब्लू डाला, लेकिन इसका मीटर एक्टिवेट नहीं हुआ है। जितना का जितना उतना दिखा रहा है। मैंने इसको आधा एक किलोमीटर गाड़ी चलाई भी, फिर भी आपका 771 ही किलोमीटर दिखा रहा है। सारे इंडिकेशन अभी भी जल रहे हैं इसके। तब हम इसमें 5 लीटर और एडब्लू डालने जा रहे हैं। इसमें
में हम अब दूसरी पिपिया भी डालने जा रहे हैं। साफ पानी एकदम साफ पानी की तरह दिखाई देता है। अगर इस तरह रखा हो तो आदमी धोखा भी खा जाए पानी की जगह इसको। और ये 10 लीटर डल गया। अब हम देखते हैं इसके इंडिकेशन क्या बताते हैं। बाद सारे इंडिकेशन खत्म हो गए। डीपीएम भी नॉर्मल दिखा रहा है। यानी कि जब टंकी फुल होगी तभी इसका इंडिकेशन खत्म होगा। 5 लीटर में इसका इंडिकेशन नहीं खत्म हुआ और 10 लीटर में इसका इंडिकेशन खत्म हो गया, इसका मतलब टंकी फुल हो गई। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय हिंद।